एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सोनीपत हरियाणा में शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरें आपको हम यहाँ से जरूर दिखाना चाहते हैं। श्री कृष्ण का यहाँ पर सुदर्शन चक्र जो है वो हाथ पर बनाकर खास तौर से दिखाया गया है। तस्वीरें एनसीआर सोनीपत हरियाणा से सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ पर गीता जयंती की, यहाँ पर जो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर अधिकारी गण भी मौजूद हैं। खरखोदा से एसडीएम है तो सीटीएम मैडम भी यहाँ पर उपस्थित है। जिला लोक संपर्क अधिकारी विजेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जड़ी बूटी और दवाइयों का स्टॉल भी यहाँ पर खास तौर से लगाया गया है। एक बार साधु संत है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या संवर्धन केंद्र अनेक रोगों की औषधियां है, जिनको वात रोग है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द है। जिस तरह से यहां पर इस साधु संत ने इन जड़ी बूटियों की खासियत को यहां जरूर बताया। कुछ तस्वीरें अब हम आपको आगे यह भी जरूर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर खास तौर से श्री मद भागवत गीता पुस्तकों को भी सजाया गया है और कुछ यहाँ पर ऋषि मुनियों से जुड़ी हुई विभिन्न तरह की मालाएं, यानी के माला का उसको इसमें रखा जा सकता है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, बात कर लेते हैं। फायदा मानव जीवन को भगवान के धाम पहुँचाने का एक ही लक्ष्य है, भागवत गीता, जो प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में इस भगवत गीता को फैलाया। आज इस भगवत गीता को पढ़ के सैकड़ों भक्त बन गए, हजारों करोड़ों भक्त बन गए हैं पूरे संसार में। इस गीता ने हमारे मानव जीवन को बदल दिया है। हम भी जो है इस गीता को पढ़ के ही बदले हैं। जिस तरह से यहाँ इतना जरूर बताया गया है कि भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके इंसान अपने कर्मों को भी सुधार सकता है। कुछ तस्वीरें अब हम आपको यह भी जरूर दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर हाथ से की गई कारीगरी से संबंधित काफी झूमर यहाँ पर बाकायदा दर्शाए गए हैं। और अब आप यह तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बोतल को खास तौर से सजाया गया है और विभिन्न रूपों में बोतल के अंदर कुछ भरकर भी यहाँ रखा गया है। और तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न तरह की पुस्तकें यहाँ पर मौजूद है और एक व्यक्ति है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। हाँ जी, आर्य समाज का साहित्य, वैदिक साहित्य, जो पहले विद्वानों के लिखे हुए, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के लिखे हुए सत्यार्थ प्रकाश और भी उसके रिलेटेड कई सत्यार्थ साहित्य या उपलब्ध है वैदिक साहित्य, यहाँ पर आर्य समाज शहर बड़ा बाजार की तरफ से उनकी शताब्दी प्रकाशन समिति बनी हुई है, उसका साहित्य भी उपलब्ध है यहाँ पर। और ये लोगों के लिए उपयोगी है, वैदिक साहित्य बहुत उपयोगी है, जन उपयोगी साहित्य है ये। सुंदर दर्शक को भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गिलास में खास तौर से इनको सजाया गया है और एक व्यक्ति है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या पौधे हमारे पास आम, अमरूद, जामुन और ये गुड़हल का है, मतलब प्लांट के हैं और वैसे हैं। अमरूद की हमारे पास इलाहाबादी जिला है, सार सफेदा इलाहाबादी है और अच्छा बहुत बढ़िया। जिस तरह से यहाँ बताया गया कि अमरूदों की विभिन्न तरह की वैरायटियों को यहाँ पर खास तौर से गीता जयंती में दर्शाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न तरह की जड़ी बूटियों को यहाँ पर इनमें रखी गई हैं। एक बार यहाँ पे एक डॉक्टर है, उनसे बात कर लेते हैं। और आज ये दो दिवसीय जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें आयुष विभाग की तरफ से प्रदर्शन लगाई गई है और आयुष विभाग जिला स्तर पर अपनी किस तरह से जनहित में सेवाएं कर रहे हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। जिस तरह से यहाँ पर जो जन सेवा की जा रही है उसको दर्शाया गया है, एक महिला डॉक्टर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है। गीता जयंती महोत्सव में जिस तरह से अभी आपने विभिन्न स्टालों को देखा, वास्तव में ही यह समारोह एनसीआर सोनीपत हरियाणा में बहुत ही सुंदर और आकर्षण युक्त यहाँ पर बना हुआ है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।